हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बच्चे में जो सूखा रोग होता है उसके बारे में बताऊंगा और उसकी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। आप ये वीडियो मेरा पूरा देखें, पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचता रहे। तो मैं डॉक्टर अशफाक, मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। दोस्तों, अगर आपका बच्चा जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसका जो मांस है बिल्कुल नहीं बन रहा और आप उसको खाना खिलाते हैं, हर तरह की चीज़ खिलाते हैं, उसके बाद भी उसका जो वज़न है वो नहीं बढ़ता है, हाथ और पैर उसके बहुत ही जो है पतले हैं और पेट जो है उसका थोड़ा बड़ा हुआ है या निकला हुआ है, इस कंडीशन में इस तरह का जो बीमारी होती है जिसको हम सूखा रोग कहते हैं या इसको मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी जो डिफिशेंसी होती है उसकी वजह से भी, प्रोटीन की डिफिशेंसी या दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी डिफिशेंसी से जो बीमारी होती हैं, जैसे मैरास्मस और क्वाशियोरकर, इस तरह की जो बीमारी होती हैं उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको आज बता रहा हूं। अगर आपका बच्चा इस तरह की कंडीशन में है तो ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसको आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा जो है वो उसका वज़न बढ़ेगा और वो मोटा ताज़ा होगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है एब्रोटेनम। एब्रोटेनम को आपको मदर टिंचर में लेना है और इसकी 8 से 10 बूंदें आपको थोड़े पानी में मिला के बच्चे को दिन में 3 बार देना है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपका बच्चे में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और ये कमज़ोरी इतनी है कि बच्चा अपनी गर्दन तक नहीं संभाल पाता और उसकी जो खाल है वो बिल्कुल रूखी हो गई है, आँखें उसकी अंदर को धंस गई हैं और उसका जो सर है और जो दूसरे हाथ हैं पैर हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, तो इस तरह की जो भी डिफिशेंसी होती है या इस तरह की जो कंडीशन होती है उसमें ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट। इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनका, जैसे मैंने बताया, हाथ पैर जो है बहुत ही पतले होते हैं, पेट उनका फूला हुआ होता है और खाल जो है उनकी सूखी होती है और उनके जो खाल पे और चेहरे पे जैसे बुड्ढों की तरह या जो एजेड पीपल होते हैं उनकी तरह जो है झुर्रियाँ पड़ी होती हैं और उनको लूज़ मोशन और वॉमिट की प्रॉब्लम रहती है और जिसकी वजह से उनका जो है वेट बिल्कुल नहीं बढ़ पाता। तो इस तरह का जो भी कंडीशन होती है बच्चे में, सूखा रोग जो होता है, उसमें ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छा, एक तरह से बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है सूखा रोग के बच्चों के लिए, जिन बच्चों का जो वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ता है और बहुत ही कमज़ोर होते चले जाते हैं और दिन ब दिन उनका जो वज़न है वो कम होता चला जाता है और उनका जो बॉडी है वो बिल्कुल वीक और पतले होते चले जाते हैं, हाथ पैर एकदम पतले होने लगते हैं, उनका जो सर है वो भी सूखने लगता है, आँखें जो है अंदर को धंसने लगती हैं, चेहरा बिल्कुल पिचक जाता है और उनका जो स्किन है वो बिल्कुल ड्राई और पीली पड़ जाती है और बच्चा जो है बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाता है। तो एब्रोटेनम जो मदर टिंचर है आप इसको बच्चे को देते रहें, 8 से 10 बूंदे दिन में 3 से 4 बार भी आप इसको दे सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। और इसी मदर टिंचर को आप जो है मूंगफली के तेल में यूज़ कर सकते हैं। इसको आप जो तेल का जो रेशियो है वो जो मेडिसिन है उससे डबल करके रखें, जैसे अगर आप 10 ml जो है मदर टिंचर या मेडिसिन लेते हैं तो 20 ml इसको मूंगफली के तेल में मिला के मिक्स कर लें, अच्छी तरह से इसको एक शीशी में भर के रख लें और इसको यूज़ करें, पूरी बॉडी पे बच्चे के इससे मालिश करें सुबह और दिन में 2 बार कर सकते हैं तो बहुत ही इसका भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप मेडिसिन इंटरनल यूज़ के लिए उसको देंगे और बाहर जो तेल के साथ मिला के इसकी मालिश करेंगे तो आप देखेंगे आपका बच्चा कितना भी सूखा हो, कितना भी पतला हो, उसका वज़न नहीं बढ़ता हो, इस मेडिसिन से वो एकदम उसका वज़न बढ़ेगा और वो जो है तंदुरुस्त हो जाएगा। तो ये मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, बच्चों के सूखा रोग में जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से यूज़ करेंगे तो बच्चा आप देखेंगे मोटा ताज़ा और बिल्कुल तंदुरुस्त होगा, बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक्स एंड टेक।